दोस्तों भाजपा सरकार ने बोला है कि सिर्फ 1.5 साल में खत्म हो जाएंगे कचरे के बड़े बड़े पहाड़। आपने टीवी में देखा होगा, आपने न्यूज में देखा होगा, इवन आप अपने मोबाइल में भी देखे होंगे कि कचरे के बहुत सारे ऐसे ढेर हो चुके हैं। ऐसा ही एक कचरा का ढेर हमारी राजधानी दिल्ली में है, जिसे ना गुजरने का मन करता है ना ही उसको देखने का मन करता है। दोस्तों यह पहाड़ राजधानी के लिए शर्म का विषय बना हुआ है। शहर से रोज निकलने वाले 2500 मीट्रिक टन कूड़े के कारण पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में लगभग 65 मीटर ऊंचाई का विशाल पहाड़ बन गया है, जो आने जाने वालों के लिए बदबू पैदा करने के साथ साथ कई बार जानलेवा भी साबित हो चुका है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर काबिज बीजेपी ने दावा किया है कि अगले 1.5 साल के अंदर दिल्ली को इस पहाड़ से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सोमवार को दावा किया कि एक मशीन 500 मीट्रिक टन कूड़े के निस्तारण में सक्षम है। इस प्रकार 9 महीने से रोज 4500 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होगा। इसमें 2500 मीट्रिक टन रोज पैदा होने वाले कूड़े के साथ पहले से जमा कूड़े का भी निस्तारण किया जाएगा। आने वाले समय में और मशीनें लगाई जाएंगी और कूड़े के पहाड़ को अगले 1.5 वर्ष में समाप्त किया जाएगा। दोस्तों मनोज तिवारी के इस बयान पर केजरीवाल ने आरोप लगाया। उस पे मनोज तिवारी ने क्या बोला दोस्तों, ये जान लेते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों पर दोष देकर नहीं बच सकते। कई विशेषज्ञों ने यह बता दिया है कि दिल्ली के प्रदूषण में हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में जलाई जाने वाली पराली का अधिकतम 20% का ही योगदान है। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा का दौरा करके देख चुके हैं कि पराली जलाने की घटनाएं 9 के बराबर हो रही है। ऐसे में दिल्ली के प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। क्या आप अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोप को समर्थन करते हो या फिर आप मनोज तिवारी को सपोर्ट करते हो, जो उन्होंने स्पीच बोला है कचरे को ढेर को खत्म करने के लिए। आप जो भी सोचते हो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय।